पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि मात्र 4 महीनों में ही जयराम सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिर गया है। मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 4 महीनों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अपराधियों को कानून का कोई भी डर नहीं है। आए दिन प्रदेश में मर्डर और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि कसौली में जो गोलीकांड हुआ वो भी सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई भी चरम पे है और आम लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीती 11 मई से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और इसी कड़ी में 23 मई को मंडी में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की लोकप्रियता को लेकर अब बीजेपी के लोग भी इस बात को मानने लग गए हैं कि उनकी सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज लेने में भी जुटी हुई है और इससे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश आने वाले समय में पूरी तरह से कर्ज में डूब जाएगा। इस दौरान उनके साथ मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा, सुंदरनगर के अध्यक्ष पवन ठाकुर, जिला परिषद की चेयरमैन चंपा ठाकुर, जीवन सिंह और लाल सिंह कौशल सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। मंडी से जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और बड़ी उम्मीदें थी मंडी जिला के लिए कई प्रोजेक्ट लाएंगे, नए नए तोहफे लाएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र के अलावा जिले में विकास के काम नजर आए वो हुई। कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार ने यह देवभूमि जो है दानव भूमि बनने जा रही है। मोदी जी 2014 के चुनाव में कह रहे थे कि मैं महंगाई को रोकूंगा, महंगाई को कम करूंगा, महंगाई पर लगाम लगाऊंगा, लेकिन 4 सालों में महंगाई ने छलांग लगा दिया। चाहे आम आदमी के आटा दाल चावल की बातें हो, चाहे सोई गैस, कांग्रेस के वक्त में 5 रुपए सिलेंडर बढ़ता था तो भाजपा के लोग जो है सड़कों पे उतरते थे, थालियां बजाते थे। यूपीए सरकार में 370 रुपए सिलेंडर था और आज एनडीए सरकार में, मोदी सरकार में 800 रुपए गैस सिलेंडर जो है पहुंचा है।